पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने बाबर आजम के हक में बड़ा बयान दे दिया है। बाबर आजम के हवाले से शुएब अख्तर का क्या कहना है? शुएब अख्तर ने बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से क्या क्या बताएंगे व्यूअर आपको इस वीडियो में। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करना हरगिज ना भूलें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की कप्तानी से इस्तीफा देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस सूरत हाल से निमटने के तरीके पर तनकीद करते हुए बाबर आजम के साथ सलूक को गैर मुनसफाना और जल्दबाजी करार दे दिया है। बाबर आजम के अचानक इस्तीफे पर बात करते हुए शुएब अख्तर ने जोर देकर कहा है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से अचकचाहट का इजहार करने के बावजूद टेस्ट टीम की क्यादत से फौरी तौर पर नहीं हटाना जाना चाहिए था। शुएब अख्तर ने मजीद कहा है कि बाबर आजम के साथ सलूक नाइंसाफी था। मैं वाजे तौर पर कहता हूँ कि इतने कम वक्त में उन्हें टेस्ट मैचों की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो तमाम फॉर्मेट की कप्तानी से नहीं जाना चाहते।